वाइन ब्रिज ऑसिलेटर। ये जो ऑसिलेटर है ये ऑडियो और सब ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज के लिए यूज किया जाता है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है, जो कि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होता है। और जो इसकी आउटपुट होती है वाइन ब्रिज ऑसिलेटर की, जो आउटपुट होती है वो अबाउट 1 मेगाहर्ट्ज तक होती है। इसमें एक ब्रिज यूज किया जाता है जिसे वाइन ब्रिज बोला गया है। इस ब्रिज पे हम फीडबैक प्रोवाइड करते हैं सर्किट की, इसको फीडबैक नेटवर्क भी बोला जाता है। ये कनेक्टेड होता है हमारे ट्रांजिस्टर वन से, ट्रांजिस्टर वन, और ट्रांजिस्टर वन की जो आउटपुट होगी उसको ट्रांजिस्टर टू के बेस पे सप्लाई प्रोवाइड की जाती है। ये जो रेजिस्टर्स हैं ये हमारे R5, R6, R7, 8, 9, 10 ये सेल्फ बायसिंग प्रोवाइड करते हैं, और कैपेसिटर C5 के थ्रू हमारे पास आउटपुट आती है, और इस आउटपुट का कुछ पार्ट हम फीडबैक प्रोवाइड करते हैं फीडबैक नेटवर्क से। यानी इस आउटपुट के कुछ पार्ट को हम फीडबैक कर देते हैं अपने ब्रिज पे। ये हमारा फीडबैक नेटवर्क होता है जो कि हमारे ट्रांजिस्टर वन के बेस के साथ कनेक्टेड होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ब्रिज है ये ट्रांजिस्टर टू की जो आउटपुट होती है उससे फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है इस ब्रिज पे, लेकिन हम ट्रांजिस्टर टू की जो फीडबैक है वो यानी कि जो हमारे ट्रांजिस्टर है वन, इसको फीडबैक प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास पूर फ्रिक्वेंसी स्टेबिलिटी आती है। जो हमारा वाइन ब्रिज नेटवर्क है जो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करता है ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तक सेंसिटिव होता है, ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तक ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करता है और उस फ्रीक्वेंसी तक ही ये सेंसिटिव होता है। अगर हम ट्रांजिस्टर इसकी जो हमारे ट्रांजिस्टर टू है यहां से हम VCC सप्लाई प्रोवाइड करते हैं जो कलेक्टर पे जाती है, ट्रांजिस्टर वन और ट्रांजिस्टर टू, ट्रांजिस्टर टू की फीडबैक को हम ट्रांजिस्टर वन पे डायरेक्टली नहीं देते बल्कि इसकी जो आउटपुट आती है उसे हम ब्रिज पे देते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये वाइड फ्रिक्वेंसी रेंज तक क्या करता है, एम्पलीफाई करता है। और अगर हम ऐसा करते हैं यानी ट्रांजिस्टर टू की जो हमारा ट्रांजिस्टर टू की जो आउटपुट आएगी उसे हम ट्रांजिस्टर वन पे देंगे तो उससे क्या होगा, पुअर फ्रिक्वेंसी और स्टेबिलिटी प्रोड्यूस होगी, इसलिए हम इसे ब्रिज पे देते हैं, ट्रांजिस्टर वन पे फीडबैक प्रोवाइड नहीं करते। जब हम VCC सप्लाई प्रोवाइड करते हैं कलेक्टर पे तो ट्रांजिस्टर वन पहले वर्क करना स्टार्ट करता है। इसका जो बेस करंट है उसमें क्या होती है, वेरिएशंस होती हैं, रैंडम चेंज होता है बेस करंट में, जो ट्रांजिस्टर वन है इसके बेस करंट में, जिसे नॉइज प्रोड्यूस होती है, और वोल्टेज जो होती है हमारी DC सप्लाई होती है उसमें भी वेरिएशन आती है। और इस वजह से जो हमारा कलेक्टर सर्किट है ट्रांजिस्टर का वो क्या करता है, 180 डिग्री का ये जो कलेक्टर सर्किट होता है ये हमारे 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है, जो इसकी आउटपुट आती है उसको ट्रांजिस्टर 2 के बेस पे प्रोवाइड कर दिया जाता है कैपेसिटर 4 के थ्रू। ये भी 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है, यानी टोटल 360 डिग्री का फेज शिफ्ट आ जाता है, और जो हमारी फेस रिवर्स्ड है वो ट्वाइस हो जाती है, इन ऑसिलेशंस ट्वाइस हो जाती है क्योंकि दोनों एम्पलीफाई करते हैं। जो Q1 है वो तो एज ए ऑसिलेटर वर्क करता है, लेकिन जो Q2 है यानी ट्रांजिस्टर 2 है ये एज ए इन्वर्टर वर्क करता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फीडबैक पे यूज होते हैं। इसमें क्या होता है, हम यहाँ से जो यहाँ पे आउटपुट आती है उसको फीडबैक प्रोवाइड करते हैं अपने ब्रिज पे। जैसे कि मैंने कहा कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए यूज होता है। जो R2C2 है और R1C1 ये तो पॉजिटिव फीडबैक के लिए यूज होते हैं, R4 और C3 ये नेगेटिव फीडबैक के लिए यूज होते हैं। जब आउटपुट का कुछ पार्ट हम ब्रिज पे प्रोवाइड करते हैं तो हमारा R2C2 और R1C1 ये क्या करते हैं, पॉजिटिव फीडबैक यानी कि रीजनरेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, और R4 और R3 ये हमारा नेगेटिव फीडबैक यानी कि डीजनरेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जो हमारा रीजनरेशन होती है, जो इफेक्ट होता है हमारा रीजनरेशन इफेक्ट यानी कि पॉजिटिव फीडबैक,
वो ज्यादा होता है डी जनरेशन यानी नेगेटिव फीडबैक से, और वही हमारी ओसिलेशन जो ओसिलेशन हैं वो हमारे आउटपुट पे प्रोड्यूस होती हैं। और इसकी जो आउटपुट है यानी जो हमारी फ्रिक्वेंसी होती है ओसिलेटर की, उसको हम वेरी करवा सकते हैं हमारे कैपेसिटर C1 और C2 के थ्रू। इन दोनों कैपेसिटर के थ्रू हम अपनी फ्रिक्वेंसी को वेरिएशन प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसकी एडवांटेज ये होती है कि ये लो डिस्टोर्शन प्रोवाइड करती है वाइड रेंज फ्रिक्वेंसी तक, और जो ओसिलेशन की फ्रिक्वेंसी होती है उसको हम इजिली वेरी करवा सकते हैं कैपेसिटर C1 और C2 के थ्रू, जो कि हमने अभी अभी किया था। और जो ओवरऑल गेन होती है वो ज्यादा होती है क्योंकि इसमें 2 ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया है। इसकी डिसएडवांटेज ये है कि इसमें 2 ट्रांजिस्टर और नंबर ऑफ कंपोनेंट्स का यूज किया है, जिससे हमारा सर्किट है बड़ा हो जाता है और बल्की हो जाता है।